15 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਮ ਸ਼ੂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਖੈਰ ਸ਼ੂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੋ ਅਬ ਚਲਤੇ ਹੈਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਆਪਕੋ ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਂਕ ਕਾ। बाकी व्यू तो उन्होंने बहुत आला किस्म का बना दिया। अरसलान भी यही कह रहे हैं कि यार व्यू तो वैसे अखीर लेवल है, चलो जिस काम के लिए आया वो तो करे। छोटी सी मीटिंग है वो करते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर, रात काफी हो गई है। बाकी आपको बैठ जाके दिखाते हैं कि क्या सीन है। चलें घर पहुंचते हैं और जाके सोते हैं और सुबह भी तैयारी भी करनी है शूट की। अच्छा जी, शूट पे जाने से पहले हम गोदाम जाएंगे और गोदाम से कुछ सामान लेंगे जो कि वहां पे जाके हमने कुछ तैयार करना है सेट पे लगाने के लिए, और बाकी आपको गोदाम में मिलते हैं। ये हमारा गोदाम है और यहाँ से माल लोड करके तो हम निकल पड़े हैं लोकेशन की तरफ। बस और थोड़ी देर में लोकेशन में पहुंचेंगे, बाकी रास्ते में जो थोड़ा सा हमने एंजॉय किया वो आपको दिखाते हैं। ये जी मैं हूँ और ये मेरे साथ भी मैं ही, और व्यू का हम थोड़ा मजा भी ले लेते हैं। और हम शूट लोकेशन पे भाई पहुंच गए हैं। लोकेशन तो भाई बहुत ही प्यारी है, मतलब कि पहाड़ों किस्म की है। क्या झूमर लगे हुए हैं, बहुत प्यारे किस्म के शैंडलियर हैं। और यार ऊपर से सबसे बड़ी चीज थी उन्होंने जो ये आर्ट की हुई है ना, ये काम क्या बात, मजा आया वैसे। खैर जो भी है, बहुत आला किस्म की वाइब्स आ रही थी यहाँ से। फुल ये देखें कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। बाकी अंदर का भी सीन बहुत कमाल है, आपको अंदर से भी दिखाते हैं। ये देखें जी क्या बात है, अंदर का भी बहुत आ रहा है। चलो बाहर चलें। अच्छा जी, अपना काम शुरू हो गया और सेटअप सेटअप लगाते हैं फिर अपना। केले ले आने नहीं यार, केले भी आ रही है नाल, 15 रोटियां ते 200 रुपए दे चने आ रहे ने ते नाल वड्डी बोतल भी आ रही है। अच्छा जी, फुल मोल है यार, मुझे लग रहा है पजल सॉल्व करनी है। क्रॉस वाला निशान बनाया। हाँ जी जी, शूट के ऊपर खड़े हैं भाई, शूट के ऊपर सॉरी शूट पे खड़े हैं। तो ये इस्लाम भाई, मुझे लग रहा है कि जिनका शूट है आज और जो हम सेट लगा के बैठे हुए हैं वो लगता है भूल गए कि आज उनका शूट है। लग तो ऐसे ही रहा है, क्योंकि सुबह 8 बजे आए हैं, सुबह समेटे हुए निकले हैं, सुबह 8 बजे आए हैं, दो बेडशीटा सीतिया ने। 8 बजे आए हुए हैं, धूप में खज्जल हो रहे थे तो खैर अल्लाह ने जो है ना शाम तक जो है मौसम अच्छा कर दिया था। खैर आ गए हैं भाई, देखो जो सही इधर देखो वो देखो, आ गए हैं, थोड़ा सा सुकून मिला है भाई जी, मजदा आ गया। अब इसके बाद प्रोडक्शन की लगता है चिमची आनी है, और उसमें मेरे ख्याल दाल रोटी होगी, थोड़ा सा क्या होगा भाई, थोड़ा सा भाई दाल रोटी कौरमा है क्या, खाली रोटी। कल देखे भाई फुल टाइम इधर शूट चल रहा है, हाल कम महल ज़्यादा लग रहा है भाई, चलो देखते हैं क्या होगा। चलें, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो तो हो गया शुरू, खैर शूट लोकेशन कंप्लीट हो गई है, आपके सामने है, चलें देखते हैं कैसा लगा आप सबको। और दूसरा सीन आपको दिखाना है कि वो जो हम बाहर फ्लोर बना रहे थे लकड़ी का, तो वो आपको ये देख रहे हैं जो सोफ़े हैं, सोफ़े के ऊपर बेडशीट की किस्म की बना के डाली है वेलवेट की, उसके नीचे जो सोफ़े और सोफ़ों के ऊपर वो फ्लोर है। तो भाई ये कवालों के लिए बनाया है कि इनके ऊपर बैठ के वो कवाली करेंगे, बाकी ये सेटअप है ठीक है। और सेटअप तो भाई फुल मज़ेदार किस्म का लग गया, ऑलमोस्ट काम हमारा तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। ये हमारी अधिका बाजी और इनके साथ ये बहुत ही अच्छा हारमोनियम बजा रहे थे। बाकी सीन तकरीबन एंड पे पहुंच गए हैं भाई, ऑलमोस्ट काम हो गया ख़त्म और बस पैकअप लगा होने, और ये हो गया जी पैकअप, और अब हम बस आज़ाद
चुको बिस्तर तो निकलो घरा। खैर एंड हो गया सीन हमारा, अब सब भाई सामान अपना अपना उठाएं, लोड शोड करें और उसके बाद हम निकलें घरों को। कल सुबह 8 बजे आए थे और अगले दिन के भाई 6 बज गए हैं। इस टाइम फुल ना आंखें बढ़ गई हैं नींद से ना। भाई जी टाइम है थोड़ा तो मुकाबला है सख्त, बस निकले यहाँ से। और कुछ व्यू तो भाई बड़ा अच्छा था, सुबह का टाइम है, ठंडा ठंडा मौसम है। यार अपने बॉयज दिखाते हैं आपको, ऐ देखो जी यो मैन। भाई अब चलते हैं हम, व्लॉग को करते हैं एंड।